तो पुण्यात्मा उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इन ऋषि महर्षियों को, और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहाँ से आटिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लगी, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लगी, और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने 1000 वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पा गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने 7 सागरों को एक ही घूंट में, समुद्रों को पी लिया, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया, लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूँ, गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है, और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिष्ठ बना डाले, परमात्मा निराकार है, और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दिया। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अपने आत्माओं, गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता ये ब्रह्म है,
ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं, क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं। और यही यहाँ हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम यहाँ किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे, और तुम्हें मूर्ख बना रखा है, ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता है ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी, और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी, फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा,